हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनिता विमल और मेरी बगिया में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एरोहेड प्लांट के बारे में, जिसको कि सिंघोनियम भी कहते हैं। सिंघोनियम का साइंटिफिक नेम सिंघोनियम पोडोफाइलम है, जो कि मिट्टी और पानी दोनों के अंदर खूब आराम से लग सकते हैं और साथ ही जो है आप इसको इंडोर और आउटडोर दोनों तरफ आराम से लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसको एरोहेड प्लांट कहा जाता है क्योंकि इसका जो पत्ते का शेप आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये देखिए, तो इसका जो ये जो दो सींग जैसे है ना, तो सिंघोनियम इस तरह से जो है ना आप इसका नाम याद रख सकते हैं। तो पत्तों के शेप की वजह से कहिए, लेकिन जो भी है ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटिव प्लांट है। ना तो केवल ये अपने घर की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप ये वाला प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसको ग्रो करना भी बहुत ही आसान है। इसको प्रोपोगेट करना इजी है। अगर आपके पास कोई पुराना पौधा है, जैसे कि मेरे पास ये है, तो आप ये देखिए इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, तो यहीं से एक पौधा जो है आप खींच के बाहर निकाल सकते हैं। आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ, ऐसे यहाँ से ये वाला है, ये देखिए, तो एक इनमें से मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये निकाल लिया, हालांकि ये टूट गया है इसका नीचे से स्टेम, लेकिन कोई बात नहीं है क्योंकि इसको आप कटिंग से खूब आराम से लगा सकते हैं। अभी तो हमारे पास फिर भी ये जड़ आ गई है, तो आपने इसको सिंपली या तो पानी के अंदर या फिर मिट्टी में लगा लेना है। और अगर आप कटिंग से लगाना चाहते हैं ना, तो फिर आप इसका जो ये नोड एरिया है ना, इसको आप चूज करें, क्योंकि यहीं से जो है ना आप कट करेंगे तो यहीं से न्यू लीव्स की ग्रोथ होती है और प्लांट वहीं से फिर ग्रो करने लगता है। तो आइए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से ये नोड एरिया है, तो मैं यहाँ से कट कर लूँगी। ये देखिए, मैंने स्टेम को थोड़ा तिरछा काटा है, यानी कि 45 डिग्री एंगल में। इससे क्या होता है कि ये जो सरफेस एरिया है ना, ये ज़्यादा मिल जाता है, जहाँ से कि जड़ों की ग्रोथ हो सकती है। तो चलिए इसको अब लगाते हैं हम। ये मैंने छोटा पॉट लिया है जो कि 6 इंच का है, इसी में मैं लगाऊंगी। इस अभी मेरे पास कोई छोटा पॉट अवेलेबल भी नहीं है, और छोटा पॉट में लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको अंदर बाहर खूब आराम से कर सकते हैं। तो मिट्टी में जो है मैंने 60% जो है मैंने गार्डन सॉइल रखा है, और 40% जो है मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट रखा है। आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट खाद ले सकते हैं। आप यहाँ पर होल बनाइए और बस ये जो आपने कटिंग ली है ना, इसको आप इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, इस तरह से जो है मिट्टी के अंदर दबा देंगे। ये मैंने लगा दिया है, अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। बस ध्यान रखिए कि आपका जो पॉट है उसके नीचे ड्रेन होल जरूर होना चाहिए, ताकि पानी जो है इकट्ठा ना हो प्लांट के अंदर, मिट्टी के अंदर, और नहीं तो सॉगी हो जाएगा, तो फिर आपको पता है चाहे कोई भी प्लांट हो वो मरने लगता है। अब इसको हम छाया में रखेंगे या ग्रीन शेड के नीचे रखेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, और इसको जो है ग्रोथ करने में 2-3 हफ्ते का टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने एक और कटिंग ली है, उसको हम पानी में उगाएंगे। ये देखिए, एक तो मैंने ये ली है, तो ये पानी के अंदर, ये पानी जो है सिंपल टैप वाटर है, इसमें मैंने डाल दिया, और ये दूसरा वाला कटिंग भी जो है मैं इसमें डाल दूंगी। और ये देखिए, आपका जो इंस्टेंट जो एक पॉट है ना अंदर सजाने के लिए, वो तैयार हो गया। ये देखिए सॉइल एकदम वेल ड्रेन था, तो पानी नीचे आ गया है। तो ऐसा ही आप भी मिट्टी का कॉम्पोजिशन रखें। मेरे पास एक और पॉट है, ये वाला जो मैंने प्लांट है ना, इसको मैंने, ये देखिए, इसमें बहुत लंबे लंबे ये एयर रूट्स भी आ गए हैं, तो इसको जो है मैंने पानी में लगाया था, और ये देखिए इसकी जड़ें कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो ये भी जो है ना, ये कई महीनों से, यानी कि ये 3-4 महीने से मेरे पानी में लगा हुआ था, और ये मैंने विंडो सिल पर रखा हुआ था इंडोर, और ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ इसकी हो रही है। हालांकि इंडोर जो प्लांट रखते हैं ना, उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होती है। दिखाती हूँ मैं, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उतनी फास्ट नहीं हो रही है। ये देखिए, ये नया पत्ता आया हुआ है, ये देखिए,
और यहाँ से भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो पत्ते हैं ना वो बिल्कुल एज इट इज़ रहते हैं, ना तो ये सूखते हैं और ना ही मुरझाते हैं। तो आप ये प्लांट जो है अगर मिट्टी में ना लगाना चाहें, पानी में लगाना चाहें और इंडोर रखना चाहें हमेशा, तो भी आप आराम से लगा सकते हैं। पानी के अंदर भी जो है रूट सिस्टम डेवलप होने में 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं, बस आप धैर्य रखें। इस पौधे को रखने के लिए लोकेशन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे ना तो पत्ते मुरझा जाते हैं, जल जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, तो ऐसा हमने नहीं करना है। हमने इसको हमेशा सेमी शेड या फिर छाया में ही रखना है और बस इनको दिन में 3-4 घंटे के इनडायरेक्ट सनलाइट मिल जाए तो भी बहुत ज़्यादा सफिशेंट है। कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये भी एक मनी प्लांट की ही वैरायटी है, तो दोस्तों ये मनी प्लांट तो नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सिंगोनियम अलग ही वैरायटी है और ये मनी प्लांट की तरह सीधा सीधा जो ये लंबी बेल चली जाती है ना मनी प्लांट की, वैसा नहीं है, बल्कि ये एक थोड़े दिनों तक तो जैसे कि 3-4 मीटर तक तो जो है ना ये आराम से लंबी बेल की तरह चलते हैं, उसके बाद जो है ना इनकी ग्रोथ रुक जाती है। ये देखिए लंबी तो हो रही है ना, लेकिन ये देखिए अब यहाँ पर आगे जो है ना ये कितना वीक सा हो गया है और पत्ते भी जो है छोटे छोटे हो गए हैं। इस केस में आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो फिर जो इसका जो स्टेम है इसकी कटिंग करके नए प्लांट्स तैयार कर ले, या फिर इस तरह से जो है ना मॉस स्टिक का सहारा देके इसको बांध दीजिए और ये 2-3 मीटर तक तो जो है ना आराम से, 2-3 मीटर तो नहीं कहूँगी गमले में तो कम से कम 1-1.5 मीटर तक तो जो है ये आराम से चलते हैं। ये इतनी लंबी बेल है, इसकी तो मैं कटिंग करके नए प्लांट से तैयार करना चाहती हूँ। इनको शेप में रखने के लिए आपको इनकी कटिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी आप इनकी कटिंग करेंगे, जैसे कि मैंने बताया अब ये वाला जैसे है, जहाँ से भी आप कटिंग करेंगे उसके आसपास से जो है न्यू ग्रोथ आने लगती है और पौधा जो है घना हो जाता है, तो उससे जो है ना गमला बहुत अच्छा लगता है, पॉट के आसपास एकदम भर के जो प्लांट तैयार हो जाता है। आप फिर किसी ऊंचे स्टैंड पे इसको रखिए और फिर जब ये फॉल करते हैं इसके क्रीपर्स तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी खूब आराम से लगा सकते हैं। पानी में लगाते हैं तो फिर कोई खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर मिट्टी में है तो आप इसमें जो है 3 महीने में या फिर 1.5-2 महीने में भी जो है थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट खाद डाल दीजिए या कोई भी कंपोस्ट खाद जो कि ऑर्गेनिक हो वो आप डाल दीजिए, तो इनके जो पत्तों की क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है और पौधा स्ट्रांग हो जाता है। अगर आप मॉस स्टिक का सहारा देके प्लांट तैयार करना चाहते हैं तो पॉट जो है कम से कम 12 इंच का लें। ये इतना कंफर्टेबल और इतना इजी प्लांट है कि अगर आप इसमें पानी डालना भी भूल जाए ना तो ये मरता नहीं है, बस आप पानी डाल दीजिए फिर से हरे भरे हो जाते हैं। गर्मियों में आप इनमें रोज़ पानी डालिए, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन आपके यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर है तो फिर आप इसकी मिट्टी देखिए और जब पत्ते विल्ट होने लगते तब भी पता चल जाता है कि पौधे को पानी की ज़रूरत है, तो अकॉर्डिंगली आप पानी डालें। वैसे तो मैंने कभी भी इनके अंदर पेस्ट का अटैक नहीं देखा है, लेकिन फिर भी टू बी सेफर साइड आप इनके पत्ते पलट के देखते रहें इस तरह से, क्योंकि जो पेस्ट होते हैं ना वो अपना घर या जो एग वगैरह दे देते हैं वो पत्तों के नीचे देते हैं, तो टू बी सेफर साइड जो है आप महीने में या 2 महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें, इससे जो पौधा है वो इन सब चीज़ों से बचा रहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सिंगोनियम के बारे में अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगी हर किसी का रिप्लाई करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।